Hi guys, welcome back to my channel. It's me Shalini. So आज का वीडियो होने वाला है Zudio विंटर वेयर हॉल. सो सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो ज़्यादातर मैंने डबल एक्सेल में ही पिक किए हैं. सबसे लास्ट जो साइज़ Zudio में अवेलेबल है वो डबल एक्सेल ही है. सो दिस इज़ समवॉट लाइक अ प्लस साइज विंटर वेयर हॉल. कुछ मैंने मेन सेक्शन में से भी पिक किए हैं आइटम्स, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको काफ़ी अच्छे स्वेटशर्ट वगैरह इस टाइप की चीज़ें मिल जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है मेन सेक्शन में से भी कुछ कुछ आइटम्स पिक करना. सो आई हैव बंच ऑफ आइटम्स एंड यू कैन सी दिस बंच ऑफ आइटम्स. ये बड़े थैले में मैंने सब चीज़ डाल रखी हैं. सो या एक एक करके मैं आपको फटाक से सारे से आइटम्स दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पिक किया है. सो फर्स्ट वन आई पिक्ड अप स्वेट शर्ट्स फ्रॉम मेन सेक्शन. दिस इज इन अ साइज डबल एक्सेल और ये ग्रीन कलर का स्वेट शर्ट है. एज यू कैन सी दिस इज अ परफेक्ट स्वेट शर्ट और ये काफ़ी अच्छी स्वेट शर्ट है हल्की फुल्की वाली ठंड के लिए, और लेयरिंग के हिसाब से बेस्टेस्ट है. बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ये, बट अंदर इसमें थोड़ा फ्लीस लगा हुआ है जो कि आपको वॉर्म्थ देगा. सो दिस इज द फर्स्ट वन विच आई लाइक सो वेरी मच. सो आप मेन सेक्शन में से भी चीज़ें पिक कर सकते हैं. आपको वहाँ काफ़ी अच्छी स्टील डील भी मिल जाएगी एंड आपको बैगी आइटम्स भी मिलेंगे वहाँ पे. नेक्स्ट स्वेटशर्ट जो है वो भी मैंने वहीं से पिक की है, बट वो शायद नीचे रखी है. उससे पहले मैं आपको पजामास दिखाती हूँ. मैंने थ्री पजामा लाइक थ्री बॉटम वेयर पिक किए हैं. वुलन वाले हैं ये, मोटे वाले फैब्रिक में, कॉर्डरॉय फैब्रिक है और वेलवेट फैब्रिक है. तो एक तो मैंने ये पिक किया है वेलवेट फैब्रिक में. सबके साइज डबल एक्सेल ही है, मैं आपको बताऊंगी नहीं बार बार, इसका भी डबल एक्सेल है. सो दिस इज द बॉटम वेयर लोअर लाइक पजामा. यू कैन सी सी ग्रीन कलर है, वेलवेट फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. परफेक्ट फॉर विंटर सीजन है. आप इसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं टॉप स्वेटशर्ट के संग, या फिर अंडरनीथ आप किसी ड्रेस वगैरह के साथ भी पहन सकते हैं. वेरी प्रिटी, वेरी नाइस. नीचे इसमें इस टाइप से ये इलास्टिक दे रखी है, तो जॉगर स्टाइल में है ये. आई लाइक इट सो वेरी मच. वहाँ पे पजामों की काफ़ी सारी वैरायटी थी, तो मैंने काफ़ी सारे कलर्स वगैरह अलग अलग पैटर्न में पिक कर लिए. नेक्स्ट पजामा आई गॉट दिस इन कॉर्डरॉय फैब्रिक. मैंने इसका टील ब्लू कलर पिक किया है. सिंपल बेसिक सा इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है और ये है पूरा प्लाजो स्टाइल में, लाइक थोड़ा लूज वाला है. सो या इसमें ऐसे वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं. एक मैंने ये पिक किया है और इसी में सेम कलर मैंने ये मरूनिश पिक किया है. सेम पैटर्न मैंने दो कलर पिक किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, साइज में भी मिल गया था, तो मैंने कहा इस डील को छोड़ते नहीं है, फटाफट से पिक कर लेते हैं. नेक्स्ट स्वेटशर्ट जो है वो भी मैंने मेन सेक्शन में से पिक किया है, अगेन इन डबल एक्सेल साइज, और ये वाली है. ये भी ग्राफिक वाली है और ये मरूनिश बर्गंडी कलर है. एज यू कैन सी बेसिक सी है. बेसिक चीज़ें आप खरीदते हैं वो ज़्यादा आपके काम में आती है, इंस्टेड ऑफ दैट फैंसी वाली चीज़ उससे ज़्यादा. नेक्स्ट अप आई गॉट अ जैकेट, अगेन मेन सेक्शन. अब ज़्यादातर आइटम्स आप मेन सेक्शन में से ही देखेंगे. सो दिस इज इन डबल एक्सेल साइज और ये जो है ये मिलिट्री ग्रीन कलर मैंने पिक किया. इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा डिफरेंट कलर लगा, ऐसा मेरी वार्डरोब में नहीं था. सो आई थॉट कि ये वाला कलर पिक करते हैं. मिलिट्री ग्रीन कलर है, पूरा ऊपर तक यहाँ पे तक आपको जिप दे रखी है, छोटी वाली कॉलर दे रखी है. एंड यस, जिप मैंने अभी इसका खोल ही दिया है, दिखाती हूँ मैं आपको. इस टाइप से ये है और आपको दोनों साइड्स में पॉकेट भी मिल जाती है, जो ऐसे इसका फ्लैप खुलता है और फिर ये है दोनों साइड में है. सो इसका विंडशील्ड सॉर्ट ऑफ का मटेरियल है, जो कि परफेक्ट है अगर आप टू व्हीलर वगैरह पे ज़्यादा जाते हैं, या फिर लेयरिंग के हिसाब से भी परफेक्ट है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. मैंने इसमें दो कलर पिक किए थे, एक मिलिट्री ग्रीन और एक ब्लैक कलर. नेक्स्ट अप आई गॉट शैकेट्स और यू कैन से अ वुलन शर्ट्स, लाइक मोटे वाले फैब्रिक की कुछ भी बोल सकते हैं आप. वन आई गॉट दिस, इसको मैन एंड वीमेन दोनों पहन सकते हैं. ऑफ कोर्स मैंने मेन सेक्शन में से पिक किया, तो मैन तो पहन ही सकते, बट वीमेन भी इसको पहन सकती है, लेयर कर सकती है एज अ जैकेट, एज अ शैकेट. सो या आप अंडरनीथ क्रॉप टॉप पहन के इसको पेयर कर सकते हैं, या फिर बेसिक बैगी फॉर्म में आपको पहनना है तो आप लूज ये वाली पहनिए और नीचे फिटेड जीन्स पहनिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी. सो दिस इज द फर्स्ट शैकेट, यू कैन से मोटी वाली शर्ट, डबल एक्सेल साइज इसका भी.
फुल स्लीव्स की है, वाइट बेस की है और इस पर थोड़ा एथनिक सॉर्ट ऑफ का प्रिंट हो रखा है। मतलब इस टाइप की शर्ट्स ना मोटे फैब्रिक की इस बार जूडियो में काफ़ी ज़्यादा थी और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, लास्ट ईयर मैंने नहीं देखी थी तो मैंने ये पिक की है। सो या इसको मैं भी पहन सकती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पहन सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसी चीज़ पिक की कि हाँ दोनों के काम आ सकती है। और एक मैंने खरीदी है ये वाली, ये भी वाइट बेस में और ये चेकर्ड प्रिंट में है एज यू कैन सी इस टाइप से। लड़कियाँ तो फिर भी पहन सकती है लड़कों के कपड़े बट लड़के नहीं पहन सकते हैं, सो उस चीज़ का मैं पूरा पूरा फायदा उठा लेती हूँ। दिस इज फ्यूशिया पिंक कलर का कुर्ता, वेरी प्रिटी, वेरी नाइस, परफेक्ट फॉर वेडिंग सीजन के हिसाब से परफेक्ट है। इस टाइप से 3-4 स्लीव्स दे रखी है, स्लीव्स के एंड में ये थोड़ा सा प्रिंट सॉर्ट ऑफ दे रखा है एंड ये नेक एरिया पे पूरा एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, गोल्डन थ्रेड वर्क है ये एंड ये बाकी नीचे से पूरा इट इज ऑल प्लेन। एक और वेलवेट पजामा निकला है इन दिस कलर, सो या दिस इज द बेबी पिंक कलर। ये जॉगर स्टाइल में नहीं है, बेसिक इसका स्टाइल है। और एक मैंने पिक किया है ये जैकेट, जैकेट शर्ट कह सकते हैं आप इसको, शर्ट स्टाइल में है बट ये जिपर वाला है। That's how it looks like. इस टाइप से है ये, डेनिम सॉर्ट ऑफ का इसका फैब्रिक है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है लाइक नॉर्मल शर्ट से, ये थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे इसलिए मैंने पिक किया था ये। सो या अगेन इसको मैं भी पहन सकती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पहन सकते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे और इसमें कॉलर मिल जाती है, बाकी पूरी जिपर मिलती है और यहाँ पे ये इस टाइप से पॉकेट्स मिल जाती हैं और नीचे भी आपको यहाँ पे ये पॉकेट मिलती है ऑन बोथ द साइड। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ब्राउन कलर है तो आप मतलब इसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं, मेजरली आपके आउटफिट्स के संग ईजीली जाएगा। लास्ट टू आइटम्स जो मैंने पिक किए हैं वो बेसिक कुर्ता पिक किए हैं, लाइक मुझे थोड़े कॉटन कुर्ते दिखे, तो कॉटन कुर्ते ऐसे होते हैं कि आप समर्स में भी पहन सकते हैं एज वेल एज विंटर्स में भी पहन सकते हैं। सो ये मैं अभी नहीं पहनूंगी तो अब जो विंटर्स, अब जो समर्स आएगी उससे मेरे काम आ जाएंगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे इसलिए मैंने पिक कर लिए। सो एक मैंने पिक किया ये ग्रीन कलर का एकदम बेसिक प्रिंटेड वाला कुर्ता, वेरी बेसिक, 3/4 स्लीव्स है और स्ट्रेट फिट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये। सो या एंड एक मैंने पिक किया ये, मुझे एक्चुअली ऑफ में मिल गया इसलिए मैंने सोचा कि ये डील हाथ से नहीं जाने देते हैं। और एक मैंने ख़रीदा है ये बेबी पिंक कलर का, इस टाइप से राउंड नेक में 3/4 स्लीव्स, अगेन ये भी स्ट्रेट फिट है। सो या दैट्स अबाउट ऑल द आइटम्स विच आई गॉट जूडियो से। बेसिकली तो मैं विंटर्स का ही खरीदने गई थी, सब मैंने विंटर्स का ही पिक किया, बस ये दो कुर्ते मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए इसलिए मैंने पिक कर लिया। सो या गाइज दैट्स अबाउट दिस वीडियो, कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जूडियो में काफ़ी अच्छा विंटर कलेक्शन आ रखा है तो आप जल्दी जाके चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो, मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी क्रिएटिव एंड बी स्टाइलिश, बाय।